राम राम। आज हम अश्वगंधा के फायदे के बारे में बता रहे हैं, ये किन किन बीमारियों में काम आता है। ये शरीर की इम्यूनिटी बढ़ाती है, ताकत आती है इससे। औरतों में सफ़ेद पानी की शिकायत है, आदमियों में ताकत है, इम्यूनिटी बढ़ाती है शरीर की, बॉडी की। और सभी दवाओं में सभी कंपनियां इनको मिलाती है। ये कितनी ही 100 प्रकार की बीमारियों में काम आती है। अश्वगंधा की खेती है ये, इसकी जड़ों को पीस करके पाउडर बनाया जाता है। और ये पाउडर है ता कमजोरी है, घुटनों का दर्द है, जोड़ों का दर्द है, नसों की कमजोरी है, माइंड की शिथिलता है, भूखने लगना, लीवर की कमजोरी है, इतनी कई बीमारियों में काम आती है यह अश्वगंधा। इसलिए यह महंगी जाती है। कंपनियां इनका पाउडर मिला करके कई तरह की और जड़ी बूटियों में इनमें बनाते हैं मिला के, और बाज़ार में बेची जा रही है। इसका साइड इफेक्ट तो नहीं होता है? इसका कोई भी साइड इफेक्ट नहीं है। तो किसान इसको खुद अपने घर पर भी यूज कर सकता है? हाँ, घर पर यूज कर सकता है, किसान अपने घर पर यूज कर सकता है। इसके जड़ों को निकाल के, इसके पाउडर बना के, छान के, और रोज़ाना एक चम्मच रोज़ाना अगर महीने भर ले दूध के साथ, मीठे दूध में, क्योंकि ये कड़वी होती है, तो इसको एक चम्मच रोज़ाना भूखे पेट, एक चम्मच रोज़ाना भूखे पेट ले सुबह उठते ही पहले, और एक घंटे तक कुछ दिखावे। बहुत सारे इसको गमले में भी उगाते हैं, आपने तो पूरी खेती कर रखी है, तो इसका क्या भाव मिल जाता है आपको? हमको इसका भाव मिल जाता है 30-35 हज़ार रुपये कुंटल। और एक बीघे में 2-3 कुंटल निकल जाती है। जैसे कि आप देख सकते हो आपकी फसल अभी लगभग 4 महीने की हो चुकी है, आपने बताया। हाँ। तो इस समय इसमें कौन सी चीज़ की ज़रूरत है अभी इसमें? तो ज़रूरत तो वैसे क्या, पानी नहीं गिर रहा, इसकी नाइट्रोजन है, पोटास है, इसकी ज़रूरत है वैसे इसको, पर हमारे क्या पानी का साधन नहीं है। ये क्या है कि बारिश की फसल पे ही पैदा करते हैं हम, इसलिए अब डाल नहीं सकते हैं। पानी क्या होता है? पोटास है, जिंक है, नाइट्रोजन है, फॉस्फोरस, सल्फर है, फॉस्फोरस है, ये दिया जाता है इसमें। तो किसान साथियों, आपने फसल हमारी है 4 महीने की फसल होगी है, हमने क्या 15 जुलाई को बोई थी, अब इसको हम दिसंबर के लास्ट में या जनवरी के फर्स्ट वीक में इसको उपाड़ के इसकी जड़ें निकाल लेंगे, और फिर इसका जो पाला है, बीज है, इसके बीज बिकते हैं, पाउडर बिकते हैं, इसके बीज ऐसे है, ये बीज पकने को आए हैं, ये बीज पकने को आए हैं, ऐसे बीज है इसके, और बीज भी मिर्चियों के बीज जैसे निकलते हैं। तो किसानों को क्या कहना चाहोगे आपके भाई, इसकी खेती करें या नहीं? नहीं, इसकी खेती करो ना, इसकी खेती फायदेमंद है। आप बारिश में बो, जुलाई में, जुलाई के पहले सप्ताह में 15-20 जुलाई तक बो, उसके बाद अभी आप अक्टूबर के लास्ट में, नवंबर के 15 नवंबर तक इसकी बुआई कर सकते हो। एक बीघे में 5 किलो बीज गिरता है, डालते हैं, कर सकते हो उसकी बुआई, फायदेमंद है इसकी। विदेशों में जा रही है इसकी, तो विदेशों में सप्लाई निर्यात होती है, तो कई देशों में इसकी क्या दवाएं बनती है, ताकत की दवाएं, इम्यूनिटी बढ़ाती है, कमजोरी, थकान, भूखने लगना, लीवर, टीबी की रोग है, इनमें सब में ताकत करती है। तो अभी कोरोना में अमेरिका में बहुत गई थी, वहाँ ट्रम्प ने मंगाई थी इसको, इसलिए तो इसके भाव बढ़े 60-65 हज़ार रुपये। अभी ये 30-35 हज़ार रुपये कुंटल जा रही है, नीमच में मंडी लगती है, वहाँ बेच के आते हैं हम। ठीक है जी, किसान भाइयों, राम राम।